हेलो फ्रेंड्स, मोबाइल मैथ में आप सभी का स्वागत। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले मिले आपको नई अपडेट। वाई बराबर दे रखा है साइन 3x, साइन का 3x इंटू में साइन 3x, फलन का एक्स के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन करना है। तो सबसे पहले अपन त्रिकोणमिति से जानते हैं कि साइन 3x बराबर कितना होता है, 3 sin x माइनस में 4 sin3x होता है। तो सबसे पहले sin 3x की जगह इसका फॉर्मूला लिखेंगे, sin 3x बराबर कितना होता है, 3 sin x माइनस 4 sin3x। तो y बराबर क्या बन जाएगा, sin3x इंटू में sin 3x की जगह ये लिखेंगे तो आ जाएगा 3 sin x माइनस में 4 sin3x। तो y बराबर, अब sin 3x इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 का 3 sin3x और यहाँ पर sin3x कितनी है 3, तो sin3x हो जाएगी 4x माइनस 4 इंटू यहाँ पर sin3 और यहाँ पर भी sin3, तो sin3 हो जाएगी 6x, यानी आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं। अब y के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का अवकलन हो जाएगा dy/dx, 3 का 3 इंटू यहाँ पे सबसे पहले x की पावर n है, यानी sin की पावर 4 है, तो x की पावर n का अवकलन होता है nx/n-1। पहले पावर का अवकलन होगा, उसके बाद में साइन का अवकलन, तो nx/n-1 करेंगे, यानी n कितना है यहाँ पे 4, साइन n-1 यानी 4-1 इंटू, पहले तो x/n का हो गया, अब साइन का अवकलन करेंगे तो साइन का अवकलन कितना होता है, cos x आ जाएगा, माइनस इधर वाले का अवकलन हो गया पहले 3 का 3, फिर x/n का यानी sin/4 का अवकलन कर लिया, तो sin/4 का अवकलन हो जाएगा 4 sin 4-1 यानी 4 sin3 इंटू, अब साइन का अवकलन करेंगे तो साइन का अवकलन हो जाएगा cos-4 इंटू, ऐसे यहाँ पे sin/6 का अवकलन करेंगे तो 6 × sin 6-1 यानी x/n = nx/n-1 हो जाएगा इंटू, उसके बाद में साइन एक्स का अवकलन करेंगे तो साइन एक्स का अवकलन होता है cos x। फिर इधर आ जाएगा 3 × 4 × sin 4-1 करेंगे तो 3 × cos x आ जाएगा, फिर 4 × 6 = 24 हो जाएगा, sin3 कितने आ जाएगी यहाँ से 5 आ जाएगी, sin5x इंटू में आ जाएगा यहाँ से cos x, इधर 4 × 3 = 12 हो जाएगा, sin3x cos x - 24 sin5x और आ जाएगा ये cos x। अब अपने को इनमें कॉमन लेना है तो जो कॉमन आएगा वो कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे तो 12 है उधर 24 है, तो कॉमन कितना आ जाएगा 12, फिर sin3 और यहाँ पे sin5 है, तो sin3 क्या आ जाएगा यहाँ पे कॉमन इंटू में, इधर cos x और इधर भी क्या है cos x, तो cos x भी क्या आएगा कॉमन, तो यहाँ पे तो क्या बचा 1 बचा, यानी पूरा ही कॉमन आ गया, माइनस इधर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 12 का 24 में भाग देंगे तो, फिर sin5 थी 3 बार आ गई तो बच गई 2, यानी 1 - 2 sin²x। अब अपन जानते हैं कि cos 2x बराबर में 2 cos²x - 1 होता है, या फिर 1 - में कितना होता है 2 sin²x, तो ये cos 2x का फॉर्मूला होता है त्रिकोणमिति में, cos 2x = 2 cos²x - 1 या 1 - 2 sin²x, तो ये बन जाएगा 12 sin3x इंटू में cos x इंटू में 1 - 2 sin²x को क्या लिख सकते हैं cos 2x, तो ये आ जाएगा cos 2x। उसके बाद में यहाँ से अपन 12 है, अब इसका अवकलन तो यही हो गया था पूरा, अब इसको एडजस्ट करके त्रिकोणमिति के जो सूत्र हैं उनको अपने काम में लेते हैं, इसको आगे सोल्व करेंगे, तो ये जैसे 12 है तो 12 को क्या लिखेंगे 6 × sin का स्क्वायर ले लेंगे यहाँ पे, और इंटू में ये जो 12 था उसका 2 यहाँ पे लिख दिया, ये sin3 थी, स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे ले लिया sin x, और इंटू में कितना है cos x और इंटू में कितना है cos 2x, तो ये आ गया 6 sin²x, ये बन गया 2 sin x × cos x। और तो अपन जानते हैं कि sin 2x बराबर में क्या होता है 2 sin x और cos x ही होता है, त्रिकोणमिति में कि sin 2x बराबर कितना होता है 2 sin x और cos x, तो यहाँ पर यही बना हुआ है 2 sin x और cos x, तो 2 sin x और cos x को क्या लिख सकते हैं sin 2x लिख सकते हैं, तो इंटू में आ जाएगा sin 2x इंटू में कितना है cos 2x। अब यहाँ से ये 6 है तो 6 का क्या लिख सकते हैं 3 × sin² इंटू 6 का जो 2 था वो यहाँ पे लिख दिया 3 × 2 = 6 हो गया इंटू sin 2x इंटू में कितना है cos 2x, ये दोबारा सूत्र बन गया अपना यही वाला कि 2 sin x cos x बराबर में क्या होता है sin 2x, तो 3 × sin²x × sin 2x बराबर 2 sin x cos x होता है, तो sin 2 2 का 2 यहाँ पर x का मान कितना है 2x है, तो इस x की जगह कितना आ जाएगा इंटू 2x, तो ये आ जाएगा 3 sin²x
साइन 2 × 2 कितना हो जाएगा 4x। तो ये पूरा लास्ट तक अपना फलन का निकल गया, अवकलन यानी dy / dx बराबर आ गया 3 sin² x * sin 4x।